हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी का नाम है नताशा। इस मूवी के शुरुआत में हम लोग एक लड़के को देखेंगे। उसके घर में कुछ दिनों के लिए उसके अंकल और आंटी रहने के लिए आते हैं और उनके साथ आती है उनकी बेटी नताशा। एक बार जब मार्क के अंकल और आंटी को कहीं काम पड़ता है तब वो बाहर जाते हैं। इसी बीच नताशा मार्क के कमरे में आती है और बातों ही बातों में वो मार्क का लैपटॉप ऑन करती है। यहाँ उसे मार्क की देखी हुई गंदी वीडियोस दिखती है। नताशा मार्क के इसके बारे में पूछती है। इसके बाद यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या होता है ये हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग मार्क को देखते हैं। वह एक 16 साल का लड़का है जो कि अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। यहाँ पर वह एक लड़की के पास आता है लेकिन वह लड़की उसे प्लेजर नहीं देती और उसके साथ धोखा हो जाता है। इसके बाद वह अपने घर जाता है और अपने लैपटॉप में जोनी भाई की वीडियोस देखकर हाथ घड़ी चलाता है। सुबह में उसकी मोम आकर उसे उठाती है और कहती है कि आज तुम्हारे अंकल और आंटी आने वाले हैं। कुछ ही देर के बाद हम मार्क के अंकल और आंटी को आते हैं देखते हैं। उसकी आंटी का नाम जीना था। जीना जब सभी को खाना सर्व कर रही होती है तब मार्क उसे ही देख रहा था। डिनर करने के बाद मार्क अपनी सिस्टर से मिलता है। यहाँ पर उसकी सिस्टर उसे बताती है कि कैसे जीना के ड्रेस की वजह से सभी लोग उसे ही देख रहे थे। तभी उसकी मोम यहाँ आकर उसे समझाती है और कहती है ये तो रशिया का फैशन है और हम लोग को उनके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। जीना की एक पहले भी शादी हो चुकी थी जिससे उसे एक बेटी है जिसका नाम नताशा है। नताशा को लाने के लिए उसकी माँ जीना उसके पास जाती है। वो दोनों जब रशिया से लौटते हैं तब सारे फैमिली वाले उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट पर जाते हैं। यहीं पर मार्क पहली बार नताशा को देखता है। अभी नताशा की उम्र 14 साल थी। यहाँ आने के बाद मार्क के अंकल और जीना शादी कर लेते हैं। सारे लोग इस पार्टी में बहुत खुश थे लेकिन इस पार्टी में नताशा बोर हो रही थी। तभी मार्क की मम उससे ये कहती है कि हमारे बीच यहाँ नताशा बोर हो रही है, तुम नताशा को लेकर जाकर हम लोगों को घर दिखाओ। इसके बाद मार्क नताशा को अपना घर दिखाने के लिए ले जाता है। घूमते हुए मार्क उसे अपने कमरे तक लेकर जाता है। यहाँ आने के बाद नताशा उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या करते हो। मार्क कहता है मैं ज्यादातर अपने रूम में टीवी देखता हूँ। जब नताशा उसे पूछती है क्या तुमने यहाँ किसी लड़की के साथ मेकआउट नहीं किया, ये सुनकर मार्क बहुत हैरान था। वह नताशा से कहता है तुम तो सिर्फ 14 साल की हो और तुम इस तरह की बातें कैसे कर सकती हो। जब नताशा उससे कहती है मैं बहुत सारे आदमियों के साथ ऐसा कर चुकी हूँ और अगर तुम चाहते हो तब मैं तुम्हारे साथ भी वैसा कर सकती हूँ। ये सुनकर मार्क उससे कहता है कि मेरे अंकल ने तुम्हारी मोम से शादी की है और इस वजह से हम लोग कजिन हैं। जब नताशा कहती है मैं अपने मोम से बहुत नफरत करती हूँ क्योंकि उनका कई मर्दों के साथ अफेयर रह चुका है और वह बचपन से ये सब देखते आ रही है। नताशा की बातों को सुनकर मार्क चुप हो जाता है। रात में मार्क की मोम मुझसे कहती है कि नताशा पहली बार इस देश में आई है और इसलिए यहाँ तुम्हें ही उसका ख्याल रखना होगा और तुम्हें उसके साथ समय बिताना होगा क्योंकि यहाँ उनका कोई भी दोस्त नहीं है। मार्क अपनी मोम की सारी बातों को सुन रहा था लेकिन सिर्फ वही जानता था कि नताशा कैसी लड़की है। इसके बाद मार्क नताशा के घर में जाता है। यहाँ जीना उसे बता दिया नताशा को अकेले रहना पसंद है और वह काफ़ी अलग है। अगर वह कभी भी तुमसे गुस्सा हो जाए तब तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना। इसके बाद नताशा की मम उसे बाहर बुलाती है लेकिन हमेशा की तरह इन दोनों के बीच में कुछ बात को लेकर अनबन चल रही थी जिसकी वजह से नताशा बहुत गुस्सा थी और वह गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। अब मार्क भी उसके पीछे पीछे आता है। उससे मिलकर मार्क पूछता है आखिर क्या बात है। जब नताशा कहती है वह अपनी मोम की शक्ल भी नहीं देखना चाहती है। मेरी मुझे यहाँ लेकर आई है और यहाँ आने के बाद मेरी लाइफ बिल्कुल बोरिंग हो चुकी है। इसके बाद मार्क उसे अपने दोस्त रूफर के पास लेकर जाता है। यहाँ पर नताशा रूफर से मिलती है। जब वह मार्क के साथ में होती है तब वह रूफर के बारे में उससे पूछती है। मार्क बताता है उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है और रूफर यहाँ पर अकेला ही रहता है। इसके बाद ये लोग साथ में लंच करते हैं। अब मार्क नताशा के साथ काफी वक्त गुजारता है। ये लोग काफी टाइम साथ में रहते हैं। यहाँ से जाते हुए नताशा मार्क से ये कहती है कल मैं तुम्हारे घर में आऊंगी। इसके अगले दिन जब मार्क अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था तब नताशा उससे मिलने के लिए आती है। यहाँ ये लोग एक दूसरे से बातें करते हैं। इसके बाद साइकिल लेकर घूमने के लिए जाते हैं। मार्क अपने दोस्तों से मिलता है। तभी नताशा को यह पता चलता है कि मार्क अपने दोस्तों के साथ गांजा पीता है और उसे ऐसा करते हुए नताशा देखती है। वह मार्क से पूछती है क्या वो स्मोक कर सकती है। इसके अगले दिन जब नताशा मार्क के घर में आती है तब मार्क उसे स्मोक करने के लिए थोड़ी बीड़ी देते हैं। गांजा पीने के बाद वो मार्क से उसका लैपटॉप मांगती है लेकिन जैसे ही वो लैपटॉप ऑन करती है वहाँ उसे जोनी भाई की वीडियोस दिखती है जो कि मार्क ने देखकर ऐसे ही छोड़ दिया था। नताशा इन वीडियोस को देखकर बहुत खुश होती है और ये लैपटॉप लेकर मार्क के पास आती है। यहाँ आकर ये कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। इसके बाद वो अपने आईडी पर लॉगिन करके मार्क को अपने न्यूड फोटोज दिखाती है।
साथ ही साथ वह उससे ये कहती है कि वह भी इस तरह के वीडियोस बनाती है और यहीं पर वह मार्क्स को सीड्यूस करने की कोशिश करती है। इसके बाद वह अपने कपड़े उतारने लगती है। नताशा को ऐसा करता हुआ देखकर मार्क भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाता है। इसके बाद ये लोग न्यूड होकर यहीं पर वो वाली वीडियोस देखते हैं। नताशा कहती है वह 12 साल की उम्र में ही ये सब कर रही है। वो ये सब पैसों के लिए करती थी, जिसके बारे में उसकी मॉम को पता चल गया था और उसकी मॉम उसके सारे पैसे लेना चाहती थी और यही वजह थी कि ये अपनी मॉम से बहुत नफरत करती है। इसके बाद ये लोग हर रोज मिलते थे और मिलकर भयंकर गपागप होने लगता है। इसके बाद वह उसे घुमाने के लिए बहुत सारी जगहों पर लेकर जाता है। इसके कुछ दिनों बाद मार्क के अंकल और जीना बाहर जाती है, इसलिए नताशा मार्क के घर पर ही रुकती है। रात को ये लोग चैटिंग करते हैं और एक दूसरे को गुड नाइट कहकर सोने के लिए जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद नताशा मार्क के कमरे में आती है। वह कहती है उसे नींद नहीं आ रही, इसलिए वह लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं। यहीं पर नताशा मार्क को ये बताती है कि उसे यहाँ बहुत अच्छा लगता है और वह यहाँ सारी ज़िंदगी रहना चाहती है। मार्क कहता है ये तुम्हारा ही घर है। जब नताशा मार्क से कहती है कि मेरी मॉम तुम्हारे अंकल को चीट कर रही है क्योंकि अभी भी उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और मैंने ये बात तुम्हारे अंकल को बता देती हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी बात का भरोसा नहीं किया और वह अब मुझे ही झूठी समझते हैं। कुछ दिनों बाद मार्क के अंकल और आंटी घर पर आते हैं और वो नताशा को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन नताशा उनके साथ जाना नहीं चाहती थी। वो कहती है वो यहीं पर रहना चाहती है। तब उसकी मॉम बहुत गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम यहाँ क्यों रहना चाहती हो और मुझे ये सब पता है कि तुम मार्क के साथ क्या क्या करती हो। अपने मॉम के मुंह से ये सब सुनकर नताशा बहुत गुस्सा होती है और जीना पर हमला कर देती है। उसके डैड उसे ऐसा करने से रोकते हैं। इसके बाद नताशा की मॉम जबरदस्ती उसे अपने साथ लेकर जाती है। अगले दिन मार्क नताशा के घर में जाता है। यहाँ आकर जीना से सॉरी कहता है। जीना उससे कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और वह मार्क के सामने नताशा की बुराई करती है। वह कहती है वह एक बहुत बिगड़ी हुई लड़की है और उसके कई बड़े बड़े मर्दों के साथ अफेयर रह चुके हैं, लेकिन तुम तो अभी बच्चे हो। यह कहकर वह मार्क को यहाँ से जाने के लिए कहती है और जीना यहाँ मार्क को नताशा से मिलने नहीं देती है। उसी रात नताशा अपना सारा सामान लेकर मार्क के घर में जाती है। यहाँ आकर वो मार्क को ये बताती है कि फ्लोरिडा जा रही है। वह मार्क से पूछती है क्या वह भी उसके साथ आना चाहेगा। ये कहते हुए उसे बताती है मेरी मॉम और तुम्हारे अंकल का डाइवोर्स हो चुका है और ये सब मेरी ही वजह से हुआ है क्योंकि मैं तुम्हारे अंकल के साथ सोई थी ताकि उन दोनों का रिश्ता खराब हो जाए और मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरी मॉम तुम्हारे अंकल की ज़िंदगी बर्बाद कर दे। उस रात नताशा मार्क के घर पर ही रुकती है। जब सुबह होती है तब मार्क उसे अपने बचाए हुए कुछ पैसे देता है जिससे उसे थोड़ी हेल्प हो जाए। इसके बाद जैसे ही सुबह होती है नताशा अपना सारा सामान लेकर यहाँ से चली जाती है। इधर मार्क की फैमिली वाले ये सोचकर बहुत परेशान थे कि मार्क के अंकल ने इतनी जल्दी अपनी शादी क्यों तोड़ दी, क्योंकि यहाँ मार्क के अलावा और किसी और को भी नहीं बताया था कि इसके पीछे की वजह क्या है और मार्क इन लोगों को कुछ भी नहीं बताना चाहता। इधर मार्क का दोस्त रूफर उसे बार बार कॉल किया जा रहा था लेकिन मार्क उसका कॉल नहीं उठा रहा है। कुछ दिनों बाद जब मार्क रूफर के घर में जाता है तब वह नताशा को यहाँ देखता है। तब रूफर उससे कहता है मैं यही बात बताने के लिए तुम्हें बार बार कॉल कर रहा था लेकिन तुम मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। रूफर यहाँ मार्क से ये कहता है कि नताशा यहाँ मेरे साथ सेफ रहेगी। तभी यहाँ पर नताशा आती है और वह मार्क की तरफ गुस्से से देख रही थी। इसके बाद मार्क भी बहुत गुस्सा हो जाता है और वहाँ से लौट जाता है, लेकिन लौटते हुए वो बहुत उदास था क्योंकि वह नताशा से बहुत प्यार करता था लेकिन नताशा ने उसे धोखा दे दिया। मार्क के अकेलेपन के साथ ये मूवी यहीं पे ही खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।